अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार गहरे नीले समुद्र में दो संभावित दोस्त फिन्ने मछली और क्लैंसी केकड़े ने रंगीन मूंगों और चंचल समुद्री जीवों से भरी एक जादुई पानी के नीचे की दुनिया की खोज की। एक धूप वाले दिन उन्होंने एक साथ एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे चमचमाते समुद्री शैवाल के जंगल से गुजरे, फिन्ने के तराजू हजारों हीरों की तरह चमक उठे और क्लैंसी के पंजे उत्साह से उछल पड़े। उनकी मुलाकात टैसा नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई, जो समुद्र और उसके चमत्कारों की कहानियां साझा करता था। उनकी यात्रा उन्हें एक छिपे हुए खजाने के संदूक तक ले गई, जिसकी रक्षा ओलिवर नाम का एक विशालकाय ऑक्टोपस कर रहा था। संदूक खोलने के लिए फिन्ने और क्लैंसी को पहेलियां सुलझानी थी और पानी के नीचे की मजेदार चुनौतियां पूरी करनी थी। टीम वर्क और हंसी मजाक के साथ उन्होंने संदूक का ताला खोला, जिसमें चमकदार सीपियों और मोतियों जैसे खजानों का भंडार सामने आया। दोस्तों ने चंचल डॉल्फिन, सुंदर समुद्री घोड़ों और जेम्मा नाम की एक जॉली जेलीफिश से मुलाकात करते हुए पानी के अंदर अपनी भाग दौड़ जारी रखी। साथ में उन्होंने एक भव्य समुद्री कार्निवल का आयोजन किया, जहां सभी ने बुलबुला उड़ाने से लेकर समकालिक तैराकी तक अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, समुद्र तल पर गर्म चमक बिखेरते हुए फिन्ने और क्लैंसी को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती हर साहसिक कार्य को अविस्मरणीय बना सकती है। खुश दिलों के साथ उन्होंने अपने नए दोस्तों को विदाई दी और वादा किया कि वे समुद्र के अंदर और अधिक सैर सपाटे के लिए वापस लौटेंगे। और इसलिए जादुई समुद्र के मध्य में फिन्ने मछली और क्लैंसी केकड़ा क्षितिज में तैर गए, अंतहीन रोमांच और चिरस्थायी मित्रता के लिए तैयार। जैसे ही फिन्ने और क्लैंसी ने अपनी जलीय यात्राएं जारी रखी, उनकी नज़र एक रहस्यमय पानी के नीचे की गुफा पर पड़ी। अज्ञात से उत्सुक होकर उन्होंने इसकी गहराई का पता लगाने का फैसला किया। अंदर उन्हें एक प्राचीन समुद्री सीप मिली, जो समुद्री किंवदंतियों की फुसफुसाहट से गूंज रही थी। मंत्रमुग्ध समुद्री सीप से प्रेरित होकर फिन्ने और क्लैंसी समुद्र में सद्भाव लाने की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वैली नाम की एक सौम्य विशाल वेल का सामना करना पड़ा, जो अशांत पानी को शांत करने के लिए अपने सुखदायक गाने सुनाती थी। उनकी यात्रा उन्हें सैंडी नाम के एक विचित्र सीगल तक भी ले गई, जो किनारे पर बहकर आए खोए हुए खजाने को ढूंढने में माहिर था। सैंडी की मदद से फिन्ने और क्लैंसी ने समुद्र के चमत्कारों को प्रदर्शित करने वाला एक चमकदार पानी के नीचे संग्रहालय बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें समुद्री यात्रा करने वाले समुद्री घोड़ों के एक शरारती समूह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें एक जीवंत मूंगा बुलबुलैया के माध्यम से दौड़ के लिए चुनौती दी। जैसे ही फिन्ने और क्लैंसी ने उतार चढ़ाव को पार किया, अंत में हाथी में हाथ डालकर फिनिश लाइन तक पहुंचते ही हंसी समुद्र में गूंज उठी। दोस्तों का रोमांच जारी रहा, लयबद्ध किरणों द्वारा आयोजित एक जीवंत पानी के नीचे नृत्य पार्टी में भाग लेने से लेकर स्टेला नाम की एक शर्मीली स्टारफिश को उसका आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करने तक। प्रत्येक मुलाकात खुशी और मूल्यवान सबक लेकर आई, जिससे समुद्र के निवासियों के बीच दोस्ती के बंधन मजबूत हुए। अपने अनुभवों की हृदयस्पर्शी चमक में फिन्ने और क्लैंसी को एहसास हुआ कि उनकी यात्रा केवल अन्वेषण के बारे में नहीं थी, यह एक सामंजस्यपूर्ण पानी के नीचे समुदाय बनाने के बारे में था, जहां हर प्राणी बड़ा या छोटा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और इसलिए अपने मार्गदर्शक के रूप में मंत्रमुग्ध सीशेल के साथ फिन्ने मछली और क्लैंसी केकड़े ने समुद्र के अंतहीन आश्चर्यों को अपनाया। जहां भी उनके पानी के नीचे के रोमांच उन्हें ले गए, उन्होंने खुशी हंसी और दोस्ती का जादू फैलाया। सागर खुशियों का स्वर्ग बन गया और फिन्ने और क्लैंसी के कारनामों की कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक लहरों के माध्यम से गूंजती रहीं।